Good morning and welcome to the fourth session of Basics of Remote Sensing. अभी तक जो है तीन सेशन हमने जो लिए हैं उसमें से पहला सेशन जो बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें रिमोट सेंसिंग क्या होती है और उसका एक हल्का सा इतिहास जो है उसके बारे में हमने जाना था. सेकंड जो सेशन था वो सेशन हमारा फोकस था स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग के ऊपर, और जिसमें हमने पाया था कि किन किन स्टेजेस से होते हुए ये रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया जो है वो संपूर्ण होती है. और थर्ड स्टेज जो रही थी उस स्टेज में हमने जाना था कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो ऑब्जेक्ट और सेंसर दोनों के बीच में लिंक का काम करता है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कैसे हम ये जान सकते हैं कि किस पदार्थ से कितनी मात्रा में ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है वो कितनी मात्रा में जो है हो सकता है, ये सारी चीजें हमने थर्ड सेशन में जो है वो जानी थी. और फोर्थ सेशन की यदि हम बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसमें इंजेक्शन ऑफ एनर्जी विद द एटमोस्फियर और अर्थ सरफेस जो है कवर होते हैं. एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड अ लिटिल बिट दैट इन केस ऑफ एटमोस्फियर द एनर्जी व्हेन इट एंटर्स इन द एटमोस्फियर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मटेरियल ऑफ द एटमोस्फियर बिहेव्स डिफरेंटली विद दैट इंसिडेंटेड एनर्जी. क्योंकि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जब अपनी यात्रा एक स्पेस से होते हुए एक वैक्यूम से होते हुए तय करता है तो प्रकाश की गति जो है वो लगभग 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है वो बनी रहती है और कोई भी चीज से वो प्रभावित नहीं होती है. लेकिन जैसे ही वो एनर्जी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल का जो सक्रिय ढांचा है ये सक्रिय ढांचा अलग अलग रंग रूप से जो है वो व्यवहार करता है उस इंसिडेंटेड एनर्जी के साथ जो पृथ्वी के धरातल की तरफ जो है वो बढ़ रही होती है. और इस इंटरेक्शन में जो एनर्जी है उस एनर्जी की वेलोसिटी, उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है, उसकी जो वेवलेंथ है उनमें परिवर्तन जो है वो देखने को मिलता है. और इसके साथ साथ एनर्जी का बहुत बार एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी जो है हो जाता है, और इसके साथ साथ दिशा का जो परिवर्तन है वो भी देखने को मिलता है. और इन सारी प्रक्रियाओं को यानी एटमोस्फियर का जो इंटरेक्शन है एनर्जी के साथ यदि हम उसको समझें तो चार प्रकार से जो है ये इंटरेक्शन देखने को मिलता है. पहले यदि हम बात करें रिफ्रैक्शन की, फिर इसमें आता है रिफ्लेक्शन, और फिर यदि हम बात करें स्कैटरिंग, एंड देन कम्स द एब्जॉर्प्शन. इसका जो सीरियल या सीरीज जो है या सीक्वेंस कह लीजिए वो एक दूसरे से उल्टा भी जो है वो हो सकता है. लेकिन रिफ्रैक्शन की यदि हम जो है वो बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से चार लेयर जो है उससे मिलकर बना हुआ है, तो पहली जो लेयर है और दूसरी लेयर उनकी डेंसिटी यानी हमारा एग्जोस्फियर, एग्जोस्फियर के नीचे मेसोस्फियर, उसके नीचे स्ट्रेटोस्फियर और फिर ट्रोपोस्फियर, जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल की तरफ हम बढ़ते हैं डेंसिटी में परिवर्तन आता है, और वो डेंसिटी का जो चेंज है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सूर्य की सतह से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है उसकी दिशा में हल्का सा जो है उसकी दिशा में परिवर्तन कर देता है. और रिफ्रैक्शन को हम दूसरे शब्दों में यदि समझें तो इसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट के नाम से भी जो है वो जानते हैं. जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि एक गिलास जिसमें आधा गिलास अगर पानी है तो आधे गिलास में हवा है, और कोई भी एक पेन या पेंसिल यदि उसके अंदर हम रख देते हैं तो हम पाते हैं कि जहां पर पानी है वहां पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट है उसकी वजह से वो पेन हुई जो है वो पेंसिल या पेन हमें दिखाई देता है, जिसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. ठीक इसी प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो उस एनर्जी के साथ भी घटित होती है जो वायुमंडल की अलग अलग लेयर से होते हुए गुजरती है. सेकेंड पार्ट की यदि हम जो है वो बात करें तो रिफ्रैक्शन के साथ जो इम्पैक्ट आता है वो स्कैटरिंग का इम्पैक्ट जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन है स्कैटरिंग के रूप में भी जो है वो जाना जा सकता है. स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ये दोनों लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती जो है वो टर्मिनोलॉजी है, लेकिन दोनों में जो एक मुख्य अंतर है वो अंतर है कि स्कैटरिंग में जो
परिवर्तन प्रावर्तन की जो दिशा है उसको हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि वो किस दिशा में एनर्जी जो है वो प्रावर्तित होगी, लेकिन रिफ्लेक्शन के केस में हम उस एनर्जी के रिफ्लेक्शन का जो एंगल है उसको एडवांस में प्रिडिक्ट करने में सक्षम होते हैं। और स्कैटरिंग के केस में यदि हम बात करें तो बेसिकली स्कैटरिंग का प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड रीट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, या इसको हम री एमिशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। जैसा कि पार्टिकल थ्योरी में जो है हमने शुरू में पढ़ा भी था कि कोई भी एक एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन जो है जब भी उसको एनर्जी मिलती है वो चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद वो लोअर बैंड से हायर बैंड की तरफ जो है मूव करता है। डायग्रामेटिकली भी यदि जो है इसको हम जाने, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही चार्ज होता है ये हायर बैंड की तरफ जो है इसकी मूवमेंट होती है, और जब भी ये डिस्चार्ज जो है होने लगता है और लोअर बैंड की तरफ जब इसकी मूवमेंट होती है तो ये एनर्जी को फोटॉन्स के रूप में जो है वो रिलीज करता है, और कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया जो स्कैटरिंग के केस में जो है घटित होती है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें, धूल कण और उसके साथ साथ जो जलवाष्प हैं, ये कुछ इसी प्रकार का इंपैक्ट जो है उस इंसिडेंटेड एनर्जी के ऊपर डालते हैं, और जब भी ये इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड मूवमेंट होती है एक फोटोन रिलीज होता है, लेकिन ये फोटोन जो स्कैटर्ड लाइट जिसको हम कहते हैं वो किस दिशा में होगा इसका अनुमान लगाना असंभव होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के चारों तरफ जो है घूमते घूमते जब कभी भी लोअर बैंड की तरफ मूव करेगा और जिस पॉइंट पे करेगा उसी दिशा में एक फोटोन जो है वो रिलीज हो जाता है। तो डायरेक्शन इन केस ऑफ स्कैटरिंग इज इनप्रेडिक्टेबल, वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, उसका हम जो है वो एडवांस में नहीं बता सकते कि किस दिशा में ये घटना जो है ये लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। और इसके प्रकार की यदि हम जो है वो बात करें तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार का जो है माना जाता है। पहला इसमें आता है रेले स्कैटरिंग, दूसरा जो आता है प्रकार वो आता है मी स्कैटरिंग, और तीसरा जो प्रकार आता है वो है नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। इसमें से अगर हम जो है इन तीनों के बीच में अंतर स्थापित करें तो मुख्य रूप से जो अंतर होता है वो पार्टिकल के साइज का डिफरेंस जो है पाया जाता है। अगर रेले स्कैटरिंग के केस में हम जो है वो पार्टिकल और वेवलेंथ इन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें तो साइज ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेटिवली लेसर देन द साइज ऑफ द वेवलेंथ, यानी जो तरंग दैर्ध्य है जो वेव लेंथ है उसकी तुलना में जिस पार्टिकल से वो स्कैटरिंग होती है उसका साइज काफी छोटा जो है पाया जाता है। मी स्कैटरिंग के केस में जो पार्टिकल का साइज है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेव लेंथ, एंड इन केस ऑफ नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग द साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्जर देन द वेव लेंथ इट इज स्कैटरिंग। और इसी के आधार पर यदि हम जो है रेले स्कैटरिंग की बात करें तो रेले स्कैटरिंग की जो प्रक्रिया है ये अबोव 8 to 10 किलोमीटर, यानी हमारे वायुमंडल में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर रेले स्कैटरिंग की जो एक्टिविटी है वो घटित होती है। और इस रेले स्कैटरिंग का जो दूसरा नाम है इसको हम मोलिकुलर स्कैटरिंग का भी जो है वो नाम देते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुख्य रूप से जिम्मेवार कारक माने जाते हैं रिले स्कैटरिंग के लिए। और जैसे ही प्रकाश की किरणें जो है वायुमंडल में प्रवेश करते हैं खासकर ट्रोपोस्फीयर के एरिया में, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं और वेवलेंथ को स्कैटर करना जो है शुरू कर देते हैं, और जो स्मॉलर वेवलेंथ्स होती हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव जो रिले स्कैटरिंग का जो है आता है वो आता है अल्ट्रावायलेट वेव्स, और इसके साथ साथ विजिबल में जो है वो ब्लू वेवलेंथ के ऊपर जो है इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। दिन के समय में सूर्य आसमान का नीले रंग में अपीयर होना रेले स्कैटरिंग का जो है वो सीधे तौर पर इंपैक्ट माना जाता है, क्योंकि ब्लू वेवलेंथ जहां से विजिबल स्पेक्ट्रम शुरू होता है ये सबसे ज्यादा रेले स्कैटरिंग से जो है प्रभावित होती है, और चारों तरफ जो है वो नीले रंग जो ब्लू वेव्स हैं
उनकी स्कैटरिंग होने की वजह से आसमान जो है हमें दिन के समय में नीला दिखाई देता है और रात के समय में ये रिले स्कैटरिंग के अभाव में वही आसमान हमें जो है वो काले रंग में दिखाई देता है। असल में रंग उसका काला है, लेकिन दिन के समय में क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम प्राप्त कर रहे होते हैं और उसमें से आने वाली जो ब्लू वेव्स है वो कम्प्लीटली स्कैटर्ड होती हैं, तो उसकी वजह से जो नीला इम्पैक्ट डेवलप होता है स्काई का वो डेवलप होता है रिले स्कैटरिंग की वजह से। और इस स्कैटरिंग का जो नाम है वो लॉर्ड रेले, ये एक ब्रिटिश फिजिस्ट जो है वो रहे हैं, इंग्लिश फिजिस्ट, और इन्होंने पहली बार जो है इस स्कैटरिंग के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर जो रिले स्कैटरिंग है यानी रिले इफेक्ट जो है उसके नाम से इसको जाना जाता है और रिले स्कैटरिंग इसको जो है कहा जाता है। दूसरे प्रकार की स्कैटरिंग की यदि हम बात करें तो मी स्कैटरिंग में जो पार्टिकल का साइज होता है वो वेव लेंथ के बराबर होता है, और इस स्कैटरिंग को हम नॉन मोलिकुलर स्कैटरिंग का भी जो है वो नाम देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का इंपैक्ट जो है इस स्कैटरिंग के ऊपर नहीं आता है। स्मॉलर और या यूं कह लीजिए माइक्रो साइज के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल इस प्रकार की स्कैटरिंग के लिए जो है जिम्मेवार माने जाते हैं, और वेवलेंथ जो इससे प्रभावित होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ के ऊपर इसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है। और जैसे ही और नीचे की तरफ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है पहुंचता है तो नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग, इसकी जो ऊंचाई खासकर रिले स्कैटरिंग के केस में जो है वो मानी जाती है ये लेस देन 4.5 किलोमीटर, यानी 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे रिले जो मी स्कैटरिंग है उसका इंपैक्ट हमें दिखाई देता है। और फिर लोअर एटमॉस्फेयर की यदि जो है हम बात करें तो नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग कहलाती है, पार्टिकल का साइज वेवलेंथ के साइज से बड़ा होता है और सम इन सम केसेस इट इज 10 टाइम्स लार्जर देन वेवलेंथ। और नॉन सिलेक्टिव स्केटिंग में कोई भी ऐसी वेवलेंथ नहीं है जो प्रभावित हुए बगैर रह सके, लेकिन इसका विजुअल इम्पैक्ट जो विकसित होता है जब कभी भी फॉग की डेवलपमेंट होती है, और मुख्य रूप से इसके जो कारक होते हैं उन कारकों में जलवाष्प जो है और खासकर संघनित जो जलवाष्प हैं वो मुख्य रोल जो है प्ले करते हैं, और जब कभी भी लोअर लेवल पे कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है एक्टिवेट हो जाता है और उसका डिपोजिशन ना हो पाए और वो हवा में सस्पेंडेड मोड में आ जाता है तो वेव नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग के प्रभाव में आकर जो हमारा पूरा का पूरा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसका रिफ्लेक्शन जो है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, और उस स्कैटरिंग की वजह से जो कोहरे का रंग है वो हमें सफेद जो है दिखाई देता है। तो ये तीन प्रकार का जो इफेक्ट है स्कैटरिंग के रूप में वायुमंडल जो है अपने यहाँ पर आने वाली जो इंसिडेंटल एनर्जी है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। दूसरी तरफ यदि इसके बाद हम जो है बात करें तो तीसरा जो इम्पैक्ट एटमोस्फियर का या वायुमंडल का जो प्रभाव आता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर वो आता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन की यदि हम जो है बात करें, जैसा पहले भी बात हुई थी कि रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या एंगल ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या हम यूं कह लीजिए कि एक पार्टिकल से जब भी वो एनर्जी टकराती है तो किस दिशा में उसका परावर्तन होता है ये हम एडवांस में प्रिडिक्ट करने में सक्षम होते हैं, और ऐसी स्थिति में जो है मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किसी एक विशेष दिशा की तरफ जो है परावर्तित हो जाती है, उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रकार जो एटमोस्फियर का इम्पैक्ट या इफेक्ट डेवलप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर उसको हम रिफ्लेक्शन के नाम से जो है वो जानते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन है यानी कितनी मात्रा में वो एनर्जी उस इंसिडेंटेड पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी ये उसके नेचर के ऊपर जो है डिपेंड करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस हम जो है इनको चार भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है परफेक्ट स्पेकुलर सरफेस, दूसरा यदि हम बात करें तो नियर परफेक्ट स्पेकुलर सरफेस, तीसरा यदि हम बात करें
तो ये होता है नियर परफेक्ट डिफ्यूजर डिफ्यूज। और चौथा यदि हम बात करें तो ये होता है लैम्बर्टियन सरफेस। और लैम्बर्टियन ये चार जो है सेराडल के प्रकार या नेचर ऑफ जो नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसको हम नाम देते हैं। तो ये चार प्रकार से जो है कोई भी पदार्थ जिसके साथ वो एनर्जी इंटरेक्ट करती है, वो चाहे गैस का मॉलिक्यूल है, वो चाहे डस्ट पार्टिकल है, चाहे वो जलवाष्प है, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो वनस्पति है, चाहे फिर जो है घास आ जाते हैं, चाहे फसलें आ जाती हैं, चाहे उसमें मिट्टी आ जाए, जिसके साथ भी वो इंटरेक्ट करता है कितनी मात्रा में ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी उसके सरफेस पे डिपेंड करता है। अगर तो वो नियर या परफेक्ट स्पेकुलर सरफेस है तो जितनी मात्रा में एनर्जी आती है 100% एनर्जी वहां से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है। और मिरर इंपैक्ट जो है इसको हम कहते हैं, यानी जिस प्रकार से आईने पे आने वाली पूरी की पूरी एनर्जी दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है वो परफेक्ट सर्कुलर सरफेस का जो है एक एग्जांपल होता है। लेकिन पृथ्वी के धरातल पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं परफेक्ट सर्कुलर सरफेस का व्यवहार उनका नहीं ऑब्जर्व किया गया है अभी तक, बल्कि वो नियर परफेक्ट सर्कुलर सरफेस में जो है व्यवहार करते हैं। जैसे कि बर्फ स्नो कवर्ड एरिया होता है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, या फिर क्लाउड का ऊपरी सरफेस जो होता है, ये नियर परफेक्ट स्पेकुलर यानी अपने ऊपर आने वाली एनर्जी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो डाइवर्ट ये कर देते हैं। और फिर यदि हम बात करें इस एनर्जी का कंटेंट जो जो कम होता है हम डिफ्यूजन की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। और नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की यदि हम बात करें तो इस स्थिति में एनर्जी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो 50% से कम होता है इंसिडेंटल एनर्जी के केस में। और यदि एक धरातल ऐसा है जिस धरातल से रिफ्लेक्शन 0 के बराबर होता है बल्कि वो सारी की सारी एनर्जी को अपने चारों तरफ बिखेर देता है तो उस स्थिति को हम लैम्बर्टियन सरफेस का जो है नाम देते हैं। नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर के केस में जो हल चलाए गए खेत होते हैं प्लॉट एग्रीकल्चरल लैंड जिसको हम कहते हैं वो नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर का एक एग्जाम्पल होता है। और लैम्बर्टियन सरफेस भी जो है वो परफेक्ट स्पेकुलर सरफेस की भांति बहुत कम जो है वो ऑब्जर्व किए गए हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। तो मैक्सिमम जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नियर परफेक्ट स्पेकुलर और नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की भांति जो है व्यवहार करते हैं। और ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है असल में यही वो एनर्जी है जिस एनर्जी की मदद से हम रिमोट सेंसिंग करने में सक्षम होते हैं, यानी बगैर किसी वस्तु के पास जाए या उसको टच किए उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं वो बेसिकली इस रिफ्लेक्शन प्रोसेस की बदौलत जो है होता है। फोर्थ इंपैक्ट की यदि हम बात करें एटमॉस्फेयर के तो वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण इसको हम कह देते हैं। और इस केस में जो भी एनर्जी उस पार्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होती है वो लगभग पूरी की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वहीं पर जो है उसको अवशोषित कर लेता है। ना रिफ्लेक्शन होता है, ना स्कैटरिंग होती है और ना रिफ्लेक्शन होता है, बल्कि वो एनर्जी वहीं पर जो है कंज्यूम हो जाती है और उसके बाद वो किसी एक नई एनर्जी के रूप में परावर्तित होती है। जैसा हीट बजट के केस में हमने पढ़ा था कि 51 यूनिट एनर्जी जो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है वो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में पहुंचती है, लेकिन पृथ्वी का धरातल उसको एब्जॉर्ब करके और जब रीरेडिएट करता है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ के केस में, जैसा कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हमने पाया था कि लगभग 9 माइक्रोमीटर के आसपास उस एनर्जी की वेवलेंथ होती है जो पृथ्वी के धरातल से रिफ्लेक्ट होती है, एमिट होती है, लेकिन जो एनर्जी वो रिसीव करती है उसकी जो मैक्स वेवलेंथ है वो 0.4 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। यानी एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें इट इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी इन सम अनदर फॉर्म दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। वाटर वेपर इनको हम H2O के रूप में कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ये गैसेस मेनली एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं।
और ये हमने हीट बजट में भी पाया था कि इंसिडेंटेड या इनकमिंग सोलर रेडिएशन का लगभग 20% हिस्सा जो है वो वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और वही इम्पैक्ट जो है यहाँ पर इन चार गैसों के रूप में या ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं इनके रूप में हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद जो एनर्जी बच जाती है यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद और स्कैटर होने के बाद जो एनर्जी बच जाती है वो एनर्जी अर्थ सरफेस पे आकर उसका इंटरेक्शन होता है विद द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो सिंपल इक्वेशन जो हमने पहले भी देखी थी, इन एनर्जी इंसिडेंटेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड एनर्जी प्लस एब्जॉर्ब एनर्जी प्लस रिफ्लेक्टेड एनर्जी, मीन्स ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी इंसिडेंटेड, एंटायर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिसीव्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन एनर्जी दैट पेनिट्रेट्स और मेक इटसेल्फ कंफर्टेबल और इट एंटर्स इनटू दैट पर्टिकुलर सबस्टार्स, जैसे कि पानी के केस में होता है कुछ गहराई तक जो प्रकाश है वो प्रवेश कर जाता है वो ट्रांसमिटेड एनर्जी का या ट्रांसमिशन का एक एग्जांपल होता है। दूसरा फिर हम बात यदि करें एब्जॉर्प्शन की और तीसरा होता है रिफ्लेक्शन, यानी कुल एनर्जी जो पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है, पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले जो फीचर्स हैं वो तीन तरीके से उसके साथ जो है व्यवहार करते हैं। कुछ एनर्जी उनमें ट्रांसमिट हो जाती है, प्रवेश कर जाती है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है उनके धरातल से टकराकर। और जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी बेसिकली उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, भौतिक और रासायनिक जो संगठन है किसी भी पदार्थ का उसके द्वारा जो है प्रभावित होती है और हमारे काम की जो एनर्जी है वो होती है रिफ्लेक्टेड एनर्जी। और इस रिफ्लेक्शन को हम जो है नाम भी देते हैं रेडिएंट फ्लक्स का, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए पर्टिकुलर फीचर, किसी भी धरातल के किसी भी एक लक्षण के सतह से कुल मात्रा में प्रावर्तित होने वाली जो ऊष्मा है वो हमारा रेडिएंट फ्लक्स जो है वो कहलाता है। और ये सही मायने में हमारी मदद करता है समझने में कि कोई भी फीचर सैटेलाइट डेटा में जब हम देखेंगे तो वो किस प्रकार से अपीयर होता है। और इस चीज को यदि हम समझने के लिए करें और बहुत टेक्निकल ना करते हुए हम एक तरफ विजिबल स्पेक्ट्रम को रखते हैं, एक तरफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को रखते हैं, एक तरफ मिडल इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड NIR, एक तरफ IR और एक तरफ मिडल इंफ्रारेड को यदि रखें और दूसरी तरफ जो है हम एनर्जी जिसको बेसिकली ट्रांसमिसिविटी और बहुत बार रेडिएंट फ्लक्स के नाम से जो है वो जाना जाता है, और अगर हम जो है एक लाइन ड्रॉ करें वाटर के केस में तो वो लाइन कुछ इस प्रकार से जो है वो निकल के आती है और इसका एक इंडेक्स जो है यानी वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। दूसरी तरफ यदि हम वेजिटेशन की जो है वो बात करें तो ये वाला कुछ इस प्रकार से जो है इस तरह की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। और फिर यदि हम एक बेयर सोइल की बात करें तो लगभग जो है कुछ इस प्रकार का जो है हमें फीचर देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन के केस में जो है अगर हम बात करें। और इन तीन के द्वारा ही जो है यदि हम इस चीज को समझें कि कैसे उस फीचर को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो पानी का अपना नेचर होता है कि ब्लू वेवलेंथ में ये सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, ग्रीन में उससे कम करता है, रेड में बहुत कम करता है और नियर इंफ्रारेड में इसका रिफ्लेक्शन ना के बराबर होता है। इसीलिए जब भी सैटेलाइट डेटा में हम पानी को देखते हैं तो वो हमें गहरे रंग में जो है दिखाई देता है, खासकर नियर इंफ्रारेड में, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ही नहीं और जो हमारा सैटेलाइट डेटा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है इस रेडिएंट फ्लक्स का उस पर्टिकुलर फीचर से। दूसरी तरफ यदि हम वेजिटेशन के केस में लेके चले, वेजिटेशन क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो विजिबल पार्ट में देखने में सक्षम होती हैं और उस विजिबल पार्ट में से ब्लू जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब होती है, रेड वेवलेंथ जो है वो भी एब्जॉर्ब होती है और ग्रीन वेवलेंथ में जो है हल्का सा रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देता है वेजिटेशन में। और यही कारण है कि ब्लू और रेड का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन
और ग्रीन का रिफ्लेक्शन हमें वेजिटेशन को हरे रंग में जो है वो दिखाता है या हमारी आंखें उसको हरे रंग में देखने की आदि होती हैं। लेकिन ये वेजिटेशन जैसे ही इंफ्रारेड में एंट्री करती है इसका रिफ्लेक्शन कई गुना जो है वो बढ़ जाता है और ये हमें जो है वो मदद करता है कि यदि आपने वेजिटेशन के संदर्भ में अध्ययन करने हो तो ये जो नियर इंफ्रारेड बैंड है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है। यानी अगर आपके पास एक ब्लू बैंड की इमेजरी है, एक ग्रीन की है, एक रेड की है और एक इंफ्रारेड की, तो यदि आपको कोई चीज ब्लू में सबसे ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब वो पानी हो सकता है, वो बेयर सोइल भी हो सकती है, क्योंकि बेयर सोइल का यदि हम देखें तो इन दोनों की तुलना में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन मिलता है और लगभग हर वेवलेंथ के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन एक समान जो है वो पाया जाता है। ब्लू में ब्राइट, ब्लू में डार्क, ग्रीन में ब्राइट, रेड में फिर से डार्क और इंफ्रारेड में एक्सट्रीम ब्राइट यदि कोई चीज दिखाई देती है, कोई एरिया दिखाई देता है, तो समझ लीजिएगा कि वो वेजिटेशन का कवर जो है एरिया होता है। और ये जो कर्व होती हैं इन कर्व को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व, और दूसरे शब्दों में इनको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का भी जो है नाम दे देते हैं कि ये बेसिकली सिग्नेचर होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। और ये यदि हम जो है यहाँ पर देखें, क्योंकि क्लोरोफिल की डेवलपमेंट वेजिटेशन में होती है और क्लोरोफिल में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कोई भी वेजिटेटिव जो ऑटोट्रोफर्स है वो अपना खाना बनाते हैं तो ब्लू और रेड लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन वहां से रिफ्लेक्ट जो है हो जाता है और नियर इंफ्रारेड और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। और बहुत सारे एरियल फोटोग्राफ में जो अध्ययन किए गए थे एक समय पर जब नियर इंफ्रारेड बैंड को हम आइडेंटिफाई कर पाए थे तो उस समय इसका महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ गया था। और वर्तमान समय में भी जितनी या बहुत सारी जो सेटेलाइट इमेजरीज हैं वो आप देखेंगे कि उसमें लाल रंग सबसे ज्यादा जो है वो पाया जाता है और उसका कारण ये होता है कि नियर इंफ्रारेड, रेड और ग्रीन केवल ये तीन बैंड का वो कॉम्बिनेशन होती है, जिसको आने वाले लेक्चर की सीरीज में जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस लाल रंग का या वो पांच कलर कंपोजिट का जो है निर्माण होता है। तो पृथ्वी के धरातल पर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जो है वो इंसिडेंटेड एनर्जी के साथ व्यवहार करते हैं।